नवाज शरीफ की सेहत का मामला, प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव जारी। मेडिकल बोर्ड ने साबिक वजीर आजम के खून में क्लॉट्स खत्म करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल रोक दिया है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक गुज़श्ता 14 रोज से सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत में उतार चढ़ाव के बाइस खून में क्लॉट्स खत्म करने वाली दवाइयां बंद कर दी गई हैं। ज़राए मेडिकल बोर्ड का कहना है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट सेल्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ का CBC समेत कोई भी टेस्ट न कराने का फैसला किया गया था। नवाज शरीफ के प्लेटलेट सेल्स की तादाद 40,000 के करीब है। तिब्बी मुआयने के बाद CBC समेत दीगर टेस्ट करवाए जाएंगे। अलबत्ता नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। मेडिकल बोर्ड जराए के मुताबिक स्टीरॉइड्स की वजह से नवाज शरीफ की शुगर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसे काबू करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाज शरीफ को दिल और गुर्दों के मसाइल इलाज मुआलजे में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान की ट्वीट के मुताबिक नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है।